चलो दोस्तों स्टार्ट किया जाए आगे। तो नाइन्थ पॉइंट तक सबको क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं। ओके ओके ठीक है। तो नाइन्थ पॉइंट तक हो चुका है मेरे दोस्त, डिफ्लेक्शन एंगल हो चुका है। बस एक आखिरी टेंथ पॉइंट है ये कि नंबर ऑफ बकेट, नंबर ऑफ बकेट, नंबर ऑफ बकेट कितने होते हैं। तो जो नंबर ऑफ बकेट होंगे मेरे दोस्त 12 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस एम बाई टू होगा, प्लस एम बाई टू होगा। और एम क्या है, अब एम जो है मेरे दोस्त, एम जो है वो जेट रेशियो होता है, जेट रेशियो होता है। और जो जेट रेशियो है वो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, यानी व्हील का डाया और जेट का डाया इनका रेशियो, ठीक है। क्लियर है सभी को ये दो पॉइंट। और तो ये कुल मिला के 11 पॉइंट है, ये 11 हमें याद होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सिंपल सा पॉइंट है, हालांकि ये दो याद नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो दो हैं वो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बट इससे पहले के जो पॉइंट्स थे वो आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, हाँ चले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग के पास जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था हाइड्रोलिक इफिशियंसी का, दैट इज द 2 बाई V1 स्क्वायर VW1 VW2 into U। इसको अब हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये जेड लिखना है ना, लिखना है का मतलब, हाँ लिखना तो है ही यार, ये जेड लिखना है मतलब लिखना है, मगर मैं ये कह रहा था कि ये डिजाइन के लिए यूज की जाते हैं, आपके एग्जाम वगैरह में उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं कह रहा था, ठीक है, ये बात है। चलो तो ये आपके पास है दोस्त, ये आपके पास है, अब हम लोग इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हाइड्रोलिक इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो फॉर मैक्सिमाइज या हेडिंग लिखेंगे आप टू मैक्सिमाइज हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो ये आपके पास हाइड्रोलिक इफिशियंसी है, ये आपके पास हाइड्रोलिक इफिशियंसी है, और आपने ये वेलोसिटी डायग्राम भी बनाया था, ये आपने, ये VR2, ये U, ये V2, VF2 और VW2, ठीक है। ये V1, ये U1 या U, और यहां से यहां तक VR, ये आपके पास है वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। साउंड कम आ रहा है, साउंड तो प्रॉपर आना चाहिए यार, थोड़ा ईयरफोन सही लगा लो आप, ठीक है। ये दोस्तों है फाई, ये है बीटा।
ये है फाई और ये है बीटा, ठीक है। चलो अभी सही है, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों V1 हॉरिजॉन्टल है ना, तो V1 ही तो VW1 है और VF1 यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। V1 ही तो VF1 है और VW1 क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास इस तरह से जीरो हो चुका है, तो VW1 आपके पास है, VW2 क्या होगा, VW2 क्या होगा, यहां से देखिए VW2 VW2 क्या होगा, VW2 यहां पर ध्यान देना, VW2 मैं लिख रहा हूं, VW2 मैं लिख रहा हूं, VW2 VW2 क्या होगा, ध्यान देना, VW2 होगा VR2 का cos phi माइनस यू। दीजिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, VR2 का cos phi यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरा होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा VR2 होगा, सॉरी VR2 का cos phi होगा, और उसमें से u माइनस कर देंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, VW2। तो VW2 इज द VR2 cos phi माइनस यू, और डियर VR2 क्या है, KVR1 है, KVR1 है, ठीक है, KVR1 है, और VR1 क्या है, V1 माइनस U है, cos phi माइनस U, तो दिस इज द VW2। बोलो ठीक है, यहां तक, यहां तक सही है दोस्तों, यहां तक सही है, जल्दी बताइए, यहां तक सही है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो डियर अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 upon V1 square, VW1 is the V1 और VW2 is the K V1 minus U cos phi minus U, और एक U बाहर तो है ही। तो फिर से देखिए, V1 की जगह, VW1 की जगह V1, VW2 की जगह यहां पे आया था K V1 minus U cos phi minus U, और ये बाहर वाला U as it is है, ठीक है। अब दोस्तों ये V1 और ये U साथ में रख लीजिए, तो V1 minus U साथ में हो गया है, K V1 minus U cos phi हो गया है, और into U, और V1 minus U अब कॉमन ले लीजिए, V1 minus U अब कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 upon V1 square क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 plus K cos phi, ये कॉमन हो जाएगा, और मिलेगा V1 minus U into U, दिस इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है। चलो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। चलो अब अगर इसे आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, फॉर मैक्सिमाइज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, आप डी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी DU करके आप इसको जीरो कर लीजिए, DU करके आप इसको जीरो कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। जब DU करके जीरो कर लिया दोस्त, तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए, यहां पर सब कुछ तो बाहर है, क्या क्या अंदर है, ये 2 upon V1 square 1 plus K cos phi, तो बाहर है, अंदर क्या है, अंदर है V1 U minus U square, U को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, V1 U minus U square, ये जीरो होना चाहिए,
ये जीरो होना चाहिए। अब आराम से, अब आराम से ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। तो ये तो उधर चला गया, v1u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v1, और u स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u बराबर 0। सो u विल बी व्हाट, v1 by 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त क्या कहा आपने, जब u यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी या पेरिफेरल वेलोसिटी अपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी का 50% होगा, आधा होगा, तो उस समय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बोलो ठीक है दोस्त, जल्दी बताइए, उस समय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। और फॉर मैक्सिमम और फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, देखो इक्वेशन नंबर वन ये है ना, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, v1 की जगह 2u रखो, तो ये 2u - u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, u इंटू यू, यू स्क्वायर हो जाएगा, और v1 की जगह 2u रखा तो 2u का होल स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर, और u स्क्वायर गायब हो चुका है, 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है v1 बराबर 2u रखने पर 1+k cos φ/2 मिलेगा। कब मिलेगा, जब v1 बराबर 2u रखोगे, यानी ये कंडीशन रखोगे, और इस कंडीशन पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है डियर, इस कंडीशन पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, तो इस कंडीशन पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और एक और बात, अगर k बराबर 1 रख लिया, k बराबर 1 कब होगा, जब फ्रिक्शनलेस ब्लेड होगा, तब k बराबर क्या हो जाएगा डियर, 1 हो जाएगा। और k बराबर 1 के लिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1+cos φ/2। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बोलो समझ में आया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो फिर से देख लेना मेरे दोस्त सरफराज साहब, एक बार फिर से वीडियो देख लेना ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, तो ये आपके पास पेल्टन टर्बाइन से बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल आपका होमवर्क होगा और उस न्यूमेरिकल को आपको ट्राई करके आना है। तो दोस्तों मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल आपका होमवर्क होगा, उस न्यूमेरिकल को आपको ट्राई करके आना है। ठीक है, चलिए चलिए। तो क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील हैज अ मीन बकेट स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑपरेटिंग अंडर अ हेड ऑफ
30 मीटर अंडर हेड ऑफ 30 मीटर विथ अ फ्लो रेट ऑफ विथ अ फ्लो रेट ऑफ 700 लीटर पर सेकेंड. इफ द बकेट डिफ्लेक्ट द जेट थ्रो एन एंगल ऑफ 165 degree to the tangent of the wheel, find power given by water to runner, and hydraulic efficiency CV की वैल्यू है 0.98. ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास है. हाँ, कल खत्म हो जाएगा. 11 से 12 क्या बोले थे, पता नहीं क्या बोले थे. 11 से 12 क्या बोला था मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार. क्या बोला था यार मैंने 11 से 12? अच्छा अच्छा हाँ हाँ 11 से 12 कॉल करने के लिए, ठीक है, चलो ठीक है. हाँ, तो पेल्टन व्हील, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये सभी, हाँ, सुदीप साहब को बोला था, ठीक है, सभी के लिए नहीं. तो ये क्वेश्चन है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को आप करके आना, ठीक है. चले आगे चलें, स्क्रीनशॉट हो गया, ओके, वेरी गुड. तो कल दोस्तों इस क्वेश्चन को कर कर आएंगे, जहां दिक्कत होगा बात करेंगे, ठीक है ना. अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं चलो चलो अब हम लोग दोस्तों चलो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कॉल वगैरह छोड़ो, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो. तो अब दोस्तों हम लोग रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करना चाहते हैं. तो किसके बारे में बात करना चाहते हैं दोस्तों, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन. रिएक्शन टरबाइन में डियर हमें पढ़ना है मॉडर्न फ्रेंसिस टरबाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन. तो डियर ये मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन ये इस तरह से है. तो दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके. आपको पता है कि फ्रांसिस टरबाइन अगर रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे एनर्जी में, जो एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करेगा, वो प्रेशर भी करेगा और वेलोसिटी भी करेगा. तो प्रेशर और वेलोसिटी दोनों एनर्जी पार्टिसिपेट करती है मेरे दोस्त पावर ट्रांसफर में. तो कैसे क्या होता है सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, बट एक बार पहले देख लो आप, ठीक है. एक बार पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है. तो माय डियर
चलो दोस्तों, मैं छोटा सा डायग्राम बना लिया हूं, अब इसके बारे में समझेंगे दोस्तों, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, क्या है कैसे है, ठीक है, बिल्कुल आराम से बिना जल्दीबाजी के, ठीक है। चले अच्छा, हवा की आवाज आ रही है, तो हवा की आवाज आ रही है दोस्त, चलो मैं हवा बंद कर देता हूं भाई। चलो अब ध्यान से समझना, चलो ध्यान से समझना कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पेन स्टॉक है, ये पेन स्टॉक है, ठीक है, यहां से ये वाटर आ रहा है, ये पेन स्टॉक है, यहां से वाटर आ रहा है। तो जब ये वाटर आ रहा है दोस्त, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये वाटर ऐसे जाएगा, ठीक है। जब डियर ये वाटर ऐसे जाएगा, तो ये वाटर ऐसे भी एंट्री करेगा, ये वाटर ऐसे भी इंटर करेगा, ठीक है, ऐसे भी इंटर करेगा, चलो, और इसके ऊपर ऐसे आएगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये वाटर के फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब देखो यार, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये मेरे दोस्त है डिफ्यूजर, डिफ्यूजर नहीं, वेरी सॉरी, डिफ्यूजर नहीं है, ये है गाइड वैन। क्या है? गाइड वैन। ये है केसिंग, चूंकि ये स्पाइरल को है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्पाइरल केसिंग। ये जो मैंने रेड कलर में बनाया है, ये है रनर, ये है रनर, या इसी को आप ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है, इसी को आप ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझेंगे बिल्कुल आराम से, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, चलो बिल्कुल आराम से। देखो यार, एक्चुअली क्या होता है, शाफ्ट इस बार जो होता है वो होता है इस तरह से वर्टिकल। शाफ्ट कैसा है माय डियर? शाफ्ट वर्टिकल है, ठीक है। जब शाफ्ट वर्टिकल है, वाटर ऐसे, बिल्कुल आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ये शाफ्ट है, ये वाटर ऐसे आएगा, ये वाटर कहां से आएगा? पेन स्टॉक से, पेन स्टॉक से आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, और जब ऐसे आएगा तो ऐसे एंट्री भी करना शुरू करेगा। तो जब एंट्री करना शुरू करेगा, तो पहले उसको गाइडवेन मिलेगा, गाइडवेन उसको गाइड करेगा कि जाकर कैसे उसके ऊपर स्ट्राइक करना है, ठीक है। तो वाटर ऐसे आया, गाइडवेन मिला, गाइडवेन से फिर कहां पे जा रहा है? रनर पे जा रहा है या ब्लेड पे जा रहा है। तो वाटर इंटर ऐसे कर रहा है, तो यानी वाटर सभी तरफ से एंट्री ऐसे कर रहा है। तो जब माय डियर वाटर एंट्री ऐसे करेगा सभी जगह से, तो प्लीज मुझे बताइए, जब एंट्री करेगा तो एंट्री शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर है? बोलो यस या नो। एंट्री शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर है? वेरी गुड, वेरी गुड सिंगल साहब, एंट्री शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और ब्लेड पे ऐसे आकर वाटर ऐसे चला जाएगा। तो वाटर ऐसे आएगा, स्ट्राइक होके ऐसे चला जाएगा। तो मेरे दोस्त एंट्री ऐसे है और एग्जिट ऐसे है, तो एंट्री रेडियल है और एग्जिट एक्सियल है। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। हाँ, तो माय डियर सरफराज साहब, समझ में आया पानी कहां से निकल रहा है? अब जल्दीबाजी करोगे तो नहीं समझ में आया यार, थोड़ा धीरज रखा करो ना भाई, फिर सारी बातें हो जाने दो, फिर समझ में आएगा। तो मेरे दोस्त ये कैसा टर्बाइन हो चुका है, मिक्स टाइप का, इसको मिक्स फ्लो बोलते हैं मेरे दोस्त, एंट्री रेडियली और एग्जिट एक्सियली, एंट्री रेडियली एग्जिट एक्सियली, ठीक है। तो फिर से सारी कहानी, शाफ्ट वर्टिकल है, वाटर पेनिस्टॉक से आएगा, इधर से ऐसे होते हुए इधर से ऐसे एंट्री करेगा, एंट्री करेगा, पहले गाइड वेन होगा, फिर ब्लेड होगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है। तो मेरे दोस्त
अब फ्लो का डायरेक्शन देखकर बताओ, इनवर्ड फ्लो है या आउटवर्ड फ्लो है? इनवर्ड फ्लो है या आउटवर्ड फ्लो है? इनवर्ड फ्लो है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो मेरे दोस्त ये इस तरह से आपके पास हो चुका है, ठीक है ना? तो चलो मैं कुछ बातें लिख लूं मॉडर्न फ्रेंसिस टर्बाइन के बारे में, कुछ बातें मैं लिख लूं, ठीक है? तो कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, ठीक है? चलिए तो थोड़ा सा मैं डार्क कर लूं, थोड़ा सा मैं मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, इन विच वाटर इंटर रेडियली एंड लीव एक्सियली, लीव एक्सियली विद द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, विद द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, विद द एक्सिस ऑफ शाफ्ट. और क्या बोल सकते हैं? इट इज a mixed, it is a mixed flow device, mixed flow device, mixed flow device, ठीक है? Mixed flow device. इसमें entry कैसे होगी मेरे दोस्त? Radial है. और exit कैसे है? Axial है. अब स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं? स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं इसको भी समझ लीजिए. स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं इसको भी समझ लीजिए. स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं? स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं? क्या बोल रहे हो यार सरफराज? सरफराज क्या बोल रहे हो ये आप? देखो स्पाइरल केसिंग क्यों रखते हैं इसका मतलब समझो. Q इज द एरिया इनटू वेलोसिटी होता है. मेरे दोस्त ये बताओ, यहां पर और यहां पर फ्लो का डिस्चार्ज एक होगा या अलग अलग होगा? सरफराज क्या कहना चाहते हो एक बार पूरा लाइन बोलो ना यार, पूरा लाइन लिख के बोलो क्या बोलना चाह रहे हो. एक बार में पूरी लाइन लिखो. देखो यहां पर डिस्चार्ज, यहां पर डिस्चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि दोस्त जब ये वाटर यहां से चलेगा ना तो यहां से इंटर भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा. तो जो डिस्चार्ज यहां पर आ जाएगा वो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो मेरे दोस्त यहां पर डिस्चार्ज और यहां पर डिस्चार्ज जो है वो कम होने जा रहा है, कम होने जा रहा है. तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा. तो यहां का डिस्चार्ज क्या होगा? कम होगा. अच्छा डिस्चार्ज जब कम होगा, डिस्चार्ज जब कम होगा और आप चाहते हो कि मैं सभी पर एक ही वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करूं, आप चाहते हो सभी पर एक ही वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करूं, तो मेरे दोस्त एक ही वेलोसिटी से वाटर स्ट्राइक करूं तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर आप कांस्टेंट चाहते हो तो डिस्चार्ज कम हो चुका है तो एरिया को भी कम करना पड़ेगा. बोलो यस या नो? एरिया को भी कम करना पड़ेगा. टोटल डिस्चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे. यहां का डिस्चार्ज अलग अलग हो जाएगा. जब डिस्चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रखना चाहते हो तो एरिया क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई माय डियर आपने
आपने इसको इस तरह से रखा है, किस तरह से, कि ताकि आपका एरिया डिक्रीज हो जाए, वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सभी ब्लेड पर, सभी ब्लेड पर वाटर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करे, सभी ब्लेड पर वाटर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करे। तो अगर आप चाहते हो कि सभी ब्लेड पर वाटर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करे, तो एंट्री करते समय ये एरिया आपको क्या करना है दोस्त, रिड्यूस करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप इस तरह से हो चुका है। चलिए, अच्छा इन विच रह गया, तो इन विच लिख लेते हैं, इन विच वॉटर वॉटर एंटर ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। तो दोस्तों ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं ठीक है। तो वेलोसिटी डायग्राम, बिल्कुल आराम से समझेंगे भैया। ये ब्लेड है, ठीक है, अब यहां पे ये इस तरह से रोटेशन में है, ठीक है। चलो, ये V1 है, ये VR1 है, ये VF1 है, ये U1 है। अच्छा इस बार बताओ आप कि रेडियल डिस्टेंस अलग अलग है वन और टू पे या सेम है? रेडियल डिस्टेंस R1 R2 बराबर है या अलग अलग है, बताओ मुझे। डिफरेंट होगा, क्योंकि रेडियल फ्लो है ना, फ्लो एंट्री रेडियली हो रही है, तो शाफ्ट की एक्सिस से दूरी क्या है मेरे दोस्त, अलग अलग है, ठीक है ना। तो R1 R2 इस बार सेम नहीं होगा, और इस बार V2 बिल्कुल वर्टिकल होगा, यानी ब्लेड जो है वो आउटलेट पर रेडियल होगा, ब्लेड आपने आउटलेट पे रेडियल बना रखा है, ताकि ये इस तरह से है। यानी मेरे दोस्त V2 ही VF2 है, और VW2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब लिखेंगे, मगर V2 ही क्या होगा, VF2 होगा, और VW2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। VW2 जीरो होने का मतलब बहुत अच्छी बात है ना यार, यानी आप सोने जा रहे हो और आपके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बचा है पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा लड़का है ना कि सोने से पहले उसके पास अब एनर्जी ही नहीं है, कुछ भी जो भी है वो पढ़ चुका है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो VW2 यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर? जीरो हो जाएगा। बोलो सही है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहली बात कि बीटा जो है वो 90 होगा, और अगर बीटा 90 हो गया तो V2 ही VF2 होगा और VW2 जीरो होगा। ठीक है, ये फाई है, ये अल्फा है, ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, चलो दूसरी बात ये हो चुका है। दूसरी बात कि रनर पावर क्या हो जाएगा। रनर पावर होगा मास फ्लो रेट VW1 U1। तीसरी बात, हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या हो जाएगा? रनर पावर अपॉन वाटर पावर होगा, एंड रनर पावर मास फ्लो रेट VW1 U1 और वाटर पावर क्या होगा? Rho g QH। अच्छा, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रो और क्यू। तो रो और क्यू मास फ्लो रेट गायब हो चुका है। सो डियर, हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा VW1 U1 upon GH। ये आपके पास तीसरी बात हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, चौथा। अच्छा, FY अगर हम लोग लिखना चाहे तो FY क्या होता है? मास फ्लो रेट, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो जो FY हो, आप FY क्या चाहते हो? FY की वैल्यू क्या चाहते हो आप? FY क्या चाहते हैं? जीरो हो जाए। वेरी गुड सिंगल साहब, FY जीरो हो जाए। FY जीरो हो जाए। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन VF1, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज द VF2। V2 ही तो VF2 है। तो यानी दोस्तों VF1 minus VF2, तो ये जीरो हो चुका है, यानी VF1 बराबर VF2। यानी मेरे दोस्त, रिएक्शन टर्बाइन में VF1 और VF2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। रिएक्शन टर्बाइन में VF1 और VF2 बराबर होता है। अगर ये बराबर हो रहा है डियर, तो आपका यहां पर वाई डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, यानी वाइब्रेशंस, जर्क, ये सब जो चीजें हैं वो नहीं आएंगी। बोलो यहां तक सब कुछ ठीक है? जल्दी बताइए। वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, आगे समझना, बिल्कुल आराम से। ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होगा? डिस्चार्ज पांचवा नंबर, डिस्चार्ज डिस्चार्ज जो है मेरे दोस्त, एरिया ऑफ फ्लो इनलेट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनलेट, एरिया ऑफ फ्लो आउटलेट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आउटलेट, ये होगा। बट वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनलेट और आउटलेट पर क्या है मेरे दोस्त? बराबर है। तो देयरफॉर ये तो है ही, क्योंकि VF1 और VF2 बराबर है, तो AF1 और AF2 भी
बराबर होगा, ए एफ वन और ए एफ टू भी बराबर होगा। अब एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा? देखो ध्यान समझो, ये सैफ्ट है, सैफ्ट के एंट्री पर चारों तरफ से इंटर हो रहा है ना वाटर, चारों तरफ से इंटर हो रहा है, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से एंट्री हो रही है। तो मेरे दोस्त जो एंट्री हो रही है वो कहां से हो रही है? पाई डी वन बी वन से हो रही है। बोलो, एंट्री पूरे सरकमफेरेंस से हो रही है, तो सरकमफेरेंशियल एरिया होगा ना, तो पाई डी वन बी वन और पाई डी टू बी टू, सो डी वन बी वन बराबर डी टू बी टू, सही ना? तो ये आपके पास पूरा का पूरा सरकमफेरेंशियल एरिया हो जाएगा। तो इसमें डी वन बी वन बराबर डी टू बी टू हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों सिक्स और सेवन आपके बहुत काम का नहीं है, मगर हाँ हम लोग को लिख लेना है क्योंकि ये डिजाइन कंडीशन है, ठीक है। फ्लो रेशियो इसे कहेंगे और इसकी जो वैल्यू है 0.15 से 0.3 के बीच में लाइज करेगी, ठीक है। और यू जो है आपको पता ही है स्पीड रेशियो होगा, और स्पीड रेशियो डियर 0.6 से 0.9 के बीच लाइज करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। बोलो सही है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। बोलो सही है सारे बातें। तो इसका मैं दो स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, दोनों स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए आप लोग। चलिए एक स्क्रीनशॉट ये, चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ये पहला। हो गया, वेरी गुड। और दूसरा स्क्रीनशॉट, हो गया। ओके डियर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब दोस्तों जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा ना, वैसे ही आपको एक्सियल फ्लो टर्बाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने क्या पढ़ा था? रिएक्शन टर्बाइन में मॉडर्न फ्रेंसिस टर्बाइन पढ़ा, ठीक है। अब रिएक्शन टर्बाइन में ही अपने को पढ़ना है, रिएक्शन टर्बाइन में ही डियर अपने को पढ़ना है एक्सियल फ्लो टर्बाइन। क्या पढ़ना है? एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है। एक्सियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है। टाइम, टाइम से क्या मतलब है?
सो डियर एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है, आज मैं थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लूंगा, चिंता मत करो, आज मैं छोड़ूंगा आप लोग को 6:05 तक, ऐसा आप शांति से पढ़ोगे तो 6 बज जाएगा। अब ये 5 मिनट आप लोग का मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, जो बच्चे शांति नहीं करेंगे तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, शांति से पढ़ोगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। चलो देखो दोस्तों, एक्सियल फ्लो टर्बाइन का कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे, एक्सियल फ्लो टर्बाइन का एग्जाम्पल। कैप्लान, वेरी गुड, कैप्लान प्रोपेलर, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट माय डियर, ध्यान से समझना, जो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है मेरे दोस्त, वो लो हेड के लिए यूज किया जाता है। जो आपने एग्जांपल बताया है वो लो हेड का एग्जांपल बताया है, ठीक है ना। तो जब लो हेड होता है डियर, हेड की वैल्यू कम होती है और आपके पास इनपुट पावर जो है वो रो जी क्यू एच है, और हेड की वैल्यू कम है तो आपको डिस्चार्ज ज्यादा करना होगा। डिस्चार्ज ज्यादा करके आप इनपुट पावर को बढ़ा सकते हो, क्योंकि हेड की वैल्यू क्या है दोस्तों, कम है। और हेड जो होता है मेरे दोस्त, मिनिमम कहा जाता है 5 m³ से कम से कम, इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए हेड की वैल्यू, सॉरी डिस्चार्ज की वैल्यू हमेशा 5 m³/s से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे खराब कंडीशन है कि 5 m³/s होना चाहिए। अब देखो यार, ये 5 m³/s का मतलब हुआ 5,000 L/s। अगर आपके घर में 500 लीटर का टैंक है, या चलो 1,000 L का टैंक है, तो 1,000 L का टैंक 1 सेकेंड में पास होना चाहिए, 1 सेकेंड में खत्म होना चाहिए, ये 5 m³ का मतलब हुआ। तो मेरे दोस्त शाफ्ट वर्टिकल है, शाफ्ट वर्टिकल है, और इस बार देखो देखो शाफ्ट वर्टिकल है, ऐसे एंट्री होगा, पेन स्टॉक ऐसे आएगा, पेन स्टॉक ऐसे है इसके सर्कमफेरेंस पे केसिंग के साथ, ये केसिंग है चारों तरफ, और केसिंग के बाद ये एंट्री ऐसे हो रही है, ये एंट्री ऐसे हो रही है। तो मेरे दोस्त एंट्री जो हो रही है वो यहाँ पे गाइड वेन मिलेगा और गाइड वेन वाटर को ऐसे अलाउ करेगा। तो मेरे दोस्त ये शाफ्ट है, एंट्री ऐसे हो रही है और गाइड वेन इसको ऐसे गिरने को बोलेगा। तो इसका मतलब वाटर कैसे जा रहा है, वाटर कैसे जा रहा है, अरे वाह एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वाटर जो है मेरे दोस्त एक्सियल फ्लो टर्बाइन होगा, वाटर एक्सियली जाएगा, किसकी मदद से, गाइड वेन की मदद से। तो जो गाइड वेन है मेरे दोस्त वो कहेगा वाटर को ऐसे चलने को। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मैं कह रहा था दोस्त कि डिस्चार्ज देखो बहुत ज्यादा होता है, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है और एक्सिली ऐसे जाएगा, ऐसे जब डिस्चार्ज जाएगा तो इस बार डिस्चार्ज का वेट आएगा, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आएगा या नहीं आएगा, बोलो मुझे आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब अगर शाफ्ट को मजबूती नहीं दोगे तो शाफ्ट में फेल्योर होगा, शाफ्ट टूट जाएगा। तो शाफ्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मटेरियल लगाते हैं जिसको हम लोग हब या बॉस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, हब या बॉस कहते हैं, ठीक है, हब या बॉस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है और ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो इसे हम लोग इस बार हब या डाया कहेंगे, ठीक है ना। एक और बात, यहां से यहां तक का जो डाया है वो हब का डाया होगा, और यहां से यहां तक का जो डाया है वो ब्लेड का डाया होगा, आउटर डाया होगा, ठीक है। अब देखो यार, अगर मैं एरिया ऑफ फ्लो बात करूं, एरिया ऑफ फ्लो, तो एरिया ऑफ फ्लो क्या इस बार सर्कमफेरेंस पे जा रहा है, क्या एरिया इस बार बिल्कुल क्रॉस सेक्शन पे जा रहा है, बोलो यस या नो।
तो इस बार फ्लो जो है मेरे दोस्त ऐसे है, ऐसे क्रॉस सेक्शंस पे जा रहा है पूरे ब्लेड के ऊपर, तो इस बार सरकमफेरेंशियल नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। तो अगर मैं दोस्तों लिखूं पाई बाई फोर डी नॉट स्क्वायर, तो ध्यान से सुनना, अगर आपने ये एरिया लिख दिया ना तो इसमें ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, मगर इस पार्ट में तो वाटर नहीं जा रहा है या इस पार्ट से तो पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जब दोस्तों इस पार्ट से पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसके एरिया को माइनस भी करना होगा। तो मेरे दोस्त ये वो एरिया है जहां से फ्लूइड फ्लो करेगा, बोलो सही है, सही है, सही है, सही है, हाँ हाँ। बाकी वेलोसिटी डायग्राम वगैरह सब कुछ एज इट इज होगा जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में था, जैसा कि वेरी सॉरी वेलोसिटी डायग्राम बिल्कुल सेम होगा जैसा कि आपने कहा था मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन में होगा, ठीक है ना, जैसा कि मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन में होगा। तो आप बोल सकते हो सेम वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है, सेम वेलोसिटी डायग्राम। एक और बात यहां पे नोट करने वाली होती है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, अगर ब्लेड फिक्स्ड है, ब्लेड अगर फिक्स्ड है तो ये प्रोपेलर होगा, और अगर एडजस्टेबल ब्लेड है यानी ब्लेड को आप इधर उधर कर सकते हैं तो मेरे दोस्त ये कैप्लान टर्बाइन होगा। बोलो ठीक है, समझ में आया साहब, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो कैप्लान टर्बाइन का एडवांटेज क्या है कि उसके ब्लेड जो है वो एडजस्ट किए जा सकते हैं, उसके ब्लेड जो है वो एडजस्ट किए जा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज हो गया है, ये इसका एडवांटेज हो गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अभी हम लोग बात करेंगे, एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्स जब लगेगा तो वो रोटेट करेगा मेरे दोस्त, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे दोस्त एक बार सभी लोग आज जाकर मतलब क्लास कंप्लीट होने के बाद YouTube पर मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन और कैप्लान टर्बाइन का एनिमेशन देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप आज जो क्लास में मैंने पढ़ाया है वो देख लेना, वो पढ़ लेना, फिर उसके बाद YouTube पे एनिमेशन जरूर देख लेना, किसका, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन का और कैप्लान टर्बाइन का, बट आप चाहो तो पेल्टन का भी देख लेना, ठीक है ना। हाँ, वेलोसिटी डायग्राम बिल्कुल पेल्टन टर्बाइन का होगा, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको एक होमवर्क दे चुका हूं दोस्तों, एक होमवर्क दे चुका हूं, ठीक है, चलो ध्यान से समझेंगे वो होमवर्क क्या है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अ अ अ मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, अ मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाया, हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाया आर 0.9 मीटर and 0.45 meter respectively. The turbine is running. The turbine is running at the speed of 200 RPM. A turbine is running at the speed of 200 RPM. The width of the blade
of the runner at the inlet is 200 mm. The width of the runner at the inlet is 200 mm and the velocity of flow through the runner is constant. Velocity of flow through the runner is constant and is equal to the is equal to 1.8 meter per second. ठीक है? The guide vane makes an angle. The guide vane makes an angle 10 degree to the tangent of the blade. Tangent of the runner. ठीक है? The guide blade makes an angle 10 degree to the tangent of the runner. Find. Screenshot लीजिए तो find में लिख रहा हूं. Screenshot लीजिए. Tangential velocity. Dusra, relative velocity. Tisra, whirl velocity. Chautha, blade angle. पांचवा विड्थ एट आउटलेट. छठा मास फ्लो रेट. ठीक है? सातवां नेट हेड. आठवां रनर पावर. नौवां हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. चलो ठीक है, समझ में आ गया. एक स्क्रीनशॉट ये ले लो. चलिए, हो गया दोस्तों. ओके, तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं. कल हम लोग मिलेंगे, इस पे थोड़ा सा और भी बातें करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है? तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग और भी बातें करेंगे. एक चीज ध्यान रखना, आप मैंने आपको दो होमवर्क दिया है, वो दोनों होमवर्क करके आना है आपको. ठीक है? थैंक यू वेरी मच. ठीक है? ओके, चलिए. थैंक यू. गुड इवनिंग साहब. चलिए ठीक है. ओके, गुड बाय. चलिए दोस्तों, मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ. थैंक यू.